मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मीटिंग के बाद बात करेंगे, आज ही नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात संभव है। हालांकि नीतीश जब पटना में थे दिल्ली उड़ने से पहले उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर साल होती है, कल जो बैठक होने वाली है ये सामान्य बैठक है, लेकिन आज ही ललन सिंह से उनकी मुलाकात संभव है। पार्टी की बैठक के बाद बात करेंगे, कुछ देर बाद नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात संभव है। शाम को 4 बजे पदाधिकारियों के साथ मुलाकात होनी है, लेकिन जैसी की खबरें हैं जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। ललन सिंह को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि नीतीश ने मीडिया से कुछ नहीं बोले कि हर साल ऐसी मीटिंग होती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक है, बैठक के बाद बात करेंगे। क्या वो बड़े कदम उठाते हैं, क्या कदम नीतीश द्वारा उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। कुछ घंटों का इंतजार और बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद रिलीज करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले जेडीयू दफ्तर से बाहर निकले ललन सिंह। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेडीयू एक है और एक ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं। क्या सिर्फ बयान देने के लिए ललन सिंह ने ऐसा कहा है या उनके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह पार्टी में फूट डाल रहे हैं। जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी, जो जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है, असामान्य स्थिति है, लेकिन अब ललन सिंह कह रहे हैं कि हमारी बैठक है, जेडीयू एक है और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार से मिले हैं, नीतीश कुमार से वन टू वन मीटिंग होने वाली है नीतीश कुमार के साथ। आ गए, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना, तो मीटिंग नहीं होगी मेरी। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा, आप चाहे जितना प्रयास कर ले। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार की सरकार कुछ दिन की मेहमान है, ये कहा गया है उनकी तरफ से। कुछ दिन बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है और ये कहा कि नीतीश की सरकार कुछ दिन की मेहमान है, कुछ दिन बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है, नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम नहीं बना रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन जब वो पटना में थे उनके साथ सुबह तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। देखिए नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान है, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो MLA कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान है, कर ले नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। इधर केसी त्यागी ने जेडीयू में चढ़ी उठापटक को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं जहां वो कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। नीतीश जी दिल्ली आ गए, 2 दिन बड़ा मंथन चलेगा और अध्यक्ष पद को लेकर ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह खुद ही कुर्सी छोड़ना चाहते हैं और अब हम देख रहे हैं कि जो पोस्टर लगाए गए पार्टी दफ्तर के बाहर वहां से उनकी तस्वीर गायब हो गई है। पार्टी के अध्यक्ष ललन जी, जो चर्चाएं अफवाहें हैं जी वो निर्मूल हैं, मैं उन्हें खारिज करता हूं। ललन जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। वो ललन जी के भी नेता हैं और हमारे भी नेता हैं और उनकी तस्वीर का मतलब है पूरा जेडीयू, लिहाजा उसको लेकर के किसी प्रकार की गलत फहमी में नहीं जाना चाहिए। आज पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक है 4 बजे से जी। कल 11 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सेकंड हाफ में
पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और जो आंतरिक फैसले वहां पर लिए जाएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। और एनडीए को जब छोड़ करके हम आए थे तो नीतीश कुमार जी के प्रयासों से ही इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था। इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए उसके कार्यक्रमों पर भी पार्टी में चल। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे। भले ही जेडीयू के तमाम नेता चंद्रमोहन और नीरज हमारे साथ है, चंद्रमोहन भले ही केसी त्यागी समेत सब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, क्या सब कुछ ठीक है या कुछ बड़ा होने वाला है आज? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार हमेशा अपने बड़े फैसले से चौंकाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई और ना ही वो किसी पार्टी के नेता के मुंह से सुना गया। और अब जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है उसमें साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों से ये राजनीतिक गलियारों में और ख़ास तौर पर जेडीयू पार्टी में यह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, इनकी आरजेडी से नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। और कुछ दिन पहले कुछ ऐसे विधायक थे जो नीतीश कुमार से नाराज़ हैं और उन लोगों ने गुप्त बैठक की जो कहीं दूसरे जगह भी जा सकते हैं, ऐसी बातें सामने आई थी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार इसीलिए पार्टी का कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं कि अगर उनको कुछ फैसला लेना हो या फिर अगर कहीं अदर दूसरे पार्टियों के साथ मूव करना हो तो किसी तरह की परेशानी ना हो। तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं या फिर अपने खास किसी वरिष्ठ नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे ताकि आने वाले दिनों में चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो या फिर अगर जेडीयू को किसी और के साथ जाना हो तो उस समय कोई परेशानी ना खड़ा हो। ठीक है, नीरज भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, चंद्रमोहन कह रहे हैं ललन सिंह को लेकर के फैसला हो सकता है, ललन सिंह कह रहे हैं सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार, क्या उन तक खबर पहुंच चुकी है? नीरज जी, जी बिल्कुल नीरज, सवाल फिर से मैं आपसे कर देती हूँ। ये यहाँ पर जो ललन सिंह को लेकर के फैसला हो सकता है और ये चंद्रमोहन बता रहे हैं पटना से, और ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, क्या उन तक खबर पहुंच चुकी है? देखिए, ललन सिंह इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं कह रहे थे कि उनके अध्यक्ष पद पे जब पूछा गया, हालांकि वो पहले कहते रहे कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अभी जब अध्यक्ष पद को लेकर सवाल पूछा गया तो सीधा कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, ना हाँ ना ना। लेकिन इसके अलावा ये बार बार दोहराते रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश, कहीं ना कहीं तलखी थी, तेवर जो हैं वो सख्त थे ललन सिंह के, यानी कहीं ना कहीं उन्हें संदेश दे दिया गया। और दिल्ली प्रदेश के जेडीयू के अध्यक्ष जो शैलेंद्र कुमार ने जो लाइन लिया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कार्यकाल पूरा होने के बाद सबको जाना होता है, तो कहीं ना कहीं ये हिंट देता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। कल कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद परिषद की बैठक होगी, आज पदाधिकारियों की बैठक है, तो कोई ना कोई बड़ा फैसला तो होने वाला है, ये तय है। मुझे लगता है कि ललन सिंह अपने पद से जाएंगे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा या कोई नया अध्यक्ष चुना जाएगा। लोकसभा चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार को दोबारा से नेतृत्व पार्टी का दिया जाएगा, ये देखना अहम रहेगा। लेकिन कोई ना कोई बड़ी खबर तो आने वाली है दो दिनों की बैठक से। बिल्कुल, बड़ी खबर आने वाली है, इसी का इंतजार है। लेकिन इस बीच जो है एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं मीटिंग से पहले। नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली में है, हम देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार की, और जब वो पहुंचे और एक बार फिर से ये जो पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नीतीश कुमार जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचे और वो मिले, तो ये सबसे अहम तस्वीर है आज की, ये हम आपको दिखा रहे हैं, राकेश सिन्हा और ये नीतीश कुमार। इस बीच क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि क्या नीतीश पाला बदल सकते हैं, और उन्होंने देखिए ये मुलाकात की है राकेश सिन्हा से, दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि वो बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हर साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, लेकिन ये जो तस्वीर है हर तस्वीर के मायने भी निकाले जा रहे हैं, मुस्कुरा जरूर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे कि कुछ देर में बैठक होने वाली है, शाम को 4 बजे बैठक होने वाली है, लेकिन ये राकेश सिन्हा से वो हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए